हमारे पास है ये 4-8 की प्लाई 18 mm की। सबसे पहले इसको हम 12-12 इंची में चीर लेंगे। लंबाई काट लिए हैं 8 फीट, इसकी चौड़ाई काट लिए हैं 12 इंच। एक है कड़ी पलाई, दोनों 18-18 mm की है। इसकी हाइट बना लिए हैं 7 फीट, इसकी चौड़ाई बना लिए हैं 12 इंच। इसको बना लिए हैं 8 नग। ये कड़ी है और ये चौड़ाई है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको मार्किंग करेंगे। सबसे पहले किनारे में 1/4 इंची मार्किंग करेंगे, उसके बाद राइट एंगल में इसको मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद 20 इंची में मार्किंग करेंगे, फिर 1/4 इंची, फिर 20 इंची, फिर 1/4 इंची, फिर 20 इंची, फिर 1/4 इंची, फिर 20, फिर 1/4, उसके बाद किनारे में 1/4 इंची छोड़ देंगे, बीच में हम लोगों का 12 इंची बचेगा। सबको राइट एंगल से मार्किंग कर लेंगे। इसी साइज में सेम 8 नग बना लेंगे, इसी नाप से, इसी मार्किंग में। दो पलाई तो 8 फीट रखना है और बाकी 6 पलाई को 94.5 इंची बना लेना है। 8 फीट में 1.5 इंची कम कर लेना है बाकी पलाई को। इसी प्रकार मार्किंग करके छेद कर लेंगे। ये बना लिए हैं जिसमें छेद होगा, इसमें 3-3 नग छेद कर लेंगे। ये 2 नग बना लिए हैं, ये ऊपर के लिए, ये नीचे के लिए। उसके बाद बचा हमारे पास 4 नग, 4 नग बचा, इसको हम लोगों ने खांचा कर लेना है। इसी प्रकार 6 नग प्लाई को खांचा निकाल लेंगे।
इसकी लंबाई 7 फीट बना लिए हैं, इसकी चौड़ाई 12 इंच है। सबसे पहले हम नीचे से मार्किंग करेंगे, 12 इंच छोड़ेंगे, फिर 1/4 इंच, फिर 1/4 इंच से फिर इधर 12 इंच, फिर 1/4 इंच, फिर 12 इंच, फिर 1/4 इंच, फिर 12, फिर 1/4, फिर 12, फिर 1/4, दस इंच, फिर 1/4 इंच। ऊपर में 1/4 करीब बच रहा है और छोटा रेक बनेगा इधर 10 इंच का, ये 12 इंच का, ये 12 इंच, ये 12 इंच, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नग 12 इंच का, 1 नग 10 इंच का ऊपर का, 1 नग 1/4 इंच का। इसी प्रकार रेक बना लेंगे, सबको राइट एंगल से मार्किंग करना है। दो प्लाई को छेद कर लेना है, दो प्लाई को छेद कर लेना है, इसी प्रकार 4 नग को खांचा कर लेना है, 4 नग प्लाई को खांचा कर लेना है 6 इंच में। ये खांचा बनेगा, चार नग पलाई को खांचा कर लेंगे, उसके बाद ही दिखाते हैं आपको। सात फीट वाली फलाई खांचा निकाल लिए हैं कुछ इस प्रकार 12-12 इंच में, ये तो 10 इंच है, ये 1/4 इंच है इसका खांचा, इसको निकाल लिए हैं 4 नग, और ये भी 7 फीट बना लिए हैं, इसको भी इसी नाप से छेद कर लिए हैं 1/4 इंच मार्किंग करके। ये दोनों साइड में लगेगा, इस साइड और उस साइड, बीच में ये सेल्फ बनेगा इधर का। ये 8 फीट का है, बीच बीच में मार्किंग करके इसको भी छेद कर लिए हैं, ऊपर नीचे 3-3 छेद कर लिए हैं इसको भी, इसी के नाम से बना लिए हैं इसको भी। ये खांचा निकाल लिए हैं 6 नग, ये है 94.5 इंच इसकी लंबाई बना लिए हैं और 12 इंच इसकी चौड़ाई बना लिए हैं, सभी की चौड़ाई 12 इंच बना लिए हैं। फिर करके दिखाते हैं, thank you.
एक फिटिंग हो चुका है, ये देख सकते हैं 20 इंची बाई 12 इंची का और एक बना है खांचा। इसमें हम पीछे के साइड में 6 mm की प्लाई लगा लेंगे, ये पतला प्लाई है 6 mm, इसी को टोक लेंगे। टोकने के बाद सामने की तरफ से पाव पट्टी लगा लेंगे, हाइट इसका 7 फीट है और इसका चौड़ाई है 8 फीट, 8x7 का रेक बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल